अनलॉक का फायदा मिलेगा, लेकिन स्टॉक को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए दरअसल अब स्टॉक स्प्लिट पर विचार बोर्ड का होगा। 12 अगस्त को दरअसल बोर्ड बैठक है, ऑफकोर्स आगे का आउटलुक भी कंपनी साथ में देगी, लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यही है कि जो महंगा हो गया था, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लगने लगे थे, प्राइस को देखकर लोग ज्यादा डर रहे थे, अब वहां पर एक स्टॉक स्प्लिट की तैयारी हो रही है। ये देखिए हर्षदा जी, 320 रुपए पर सन 2019 अक्टूबर में ये आपको आईपीओ लाता हुआ दिखा था, और वहां से आप लगभग समझिए कि ये स्टॉक आपको 6 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, और बढ़िया आपने यहाँ पर वैल्यू क्रिएट होती हुई दिखी है रिटेल इन्वेस्टर्स को। जोड़ते हैं गौरांग शाह साहब को और उनसे चर्चा करते हैं सन फार्मा के नतीजों की, जो आप